हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल लकी स्टार। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कि आप किस प्रकार से अपने फ़ोटोज़ के बैकअप लेके उसको लाइफ टाइम के लिए सेव रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है या मैंने कई कैंडिडेट को देखा भी है कि वो दोस्तों करते ये हैं कि अपने फ़ोन के ही स्टोरेज में सारा का सारा अपना फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो, जितना भी मटेरियल होता है उसको भर के रखते हैं। और मान लीजिए दोस्तों फैमिली फ़ोटो है किसी इवेंट की या किसी फेस्टिवल की या कोई मतलब आपके घर में शादी वादी, किसी भी फेस्टिवल मतलब त्यौहार के आपके फ़ोटो रखे हुए हैं, बहुत सारे फ़ोटो। तो दोस्तों वो लोग सोचते हैं कि मैं अपने फ़ोन में इसको रख लेता हूँ ज़्यादा दिन तक। मतलब उसमें ये होता है दोस्तों कि अपना जो मान लीजिए फ़ोटो है, बहुत ज़्यादा फ़ोटो हो जाता है। आप उसको अपने फ़ोन में कब तक रखेंगे? ऐसा इसमें ये भी दिक्कत होता है कि दोस्तों कि उसके लिए आपको ज़्यादा स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा जब आपका फ़ोटो हो जाएगा तो ज़्यादा आपको उसमें स्टोरेज भी लगेगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों बहुत ही आपको मतलब कि खतरा ये भी होता है कि आपका मान लीजिए आपका फ़ोन यदि चोरी हो जाता है, फ़ोन आपका रीसेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका फ़ोन पूरा का पूरा साफ़ हो जाता है। आप फ़ोटो अपना सारा खो चुके होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे आप किस प्रकार से अपने फ़ोटो को लाइफ टाइम के लिए सेव रख सकते हैं, जब चाहें जहाँ चाहें आप उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या है इसकी प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल फ़ोटोज़ और इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। हालांकि जो नए फ़ोन आ रहे हैं इनमें सारे के सारे फ़ोन में ये गूगल फ़ोटोज़ आ रहा है, लेकिन दोस्तों सबको इसका यूज़ करने को पता नहीं है कि किस प्रकार से इसको यूज़ करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल लकी स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको मेरे वीडियो की रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पे प्ले लिस्ट में आइएगा तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगी, यहाँ पे सॉरी प्ले लिस्ट मिलेगा गूगल का। तो यहाँ पे आके आप अपने गूगल की पहले की पुरानी सेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप जीमेल अकाउंट बनाना नहीं जानते हैं तो जीमेल अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट का भी बैकअप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की हम बात करते हैं। तो आपने उसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको अपने ओपन कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पे अपना गूगल फ़ोटोज़ ओपन कर लिया हुआ है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा फ़ोन की सारे के सारे यहाँ पे फ़ोटो आपको शो हो रहे होंगे। ऐसे आपके भी फ़ोन में आपके जितने भी फ़ोटो वहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो अब इनको किन प्रकार से आप इसको इस प्रकार से आप इसको बैकअप दे सकते हैं, यानी कि आप इसको अपलोड करके लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट शो हो रहा होगा, जो आपका जीमेल अकाउंट होता है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो आपको इस पर टैप कर लेना है। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा फ़ोटो सेटिंग। आप इस पर जैसे ही टाइप करिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने सबसे पहले नंबर पर मिलेगा बैकअप एंड स्कैन, इसका ऑप्शन आपको इस पर टाइप कर लेना है। इस पर टाइप करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे बैकअप डिवाइस फोल्डर, यहाँ पे इस पर आप टाइप कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आपको फ़ोन की जितनी भी फाइल है, यदि आप फाइल वाइज की बैकअप देना चाहते हैं तो ये फाइल वाइज भी होगा, अन्यथा दोस्तों यदि आप इसमें से किसी को भी ट्रिक नहीं करते हैं तो ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोन का फ़ोटो है, जो कैमरे द्वारा फ़ोटो लिए गए हैं आपके फ़ोन में, तो उसको तो ऑटोमेटिकली ये बैकअप लेगा। और जो आपका वीडियो रिकॉर्ड किया है आपने कैमरे के द्वारा और स्क्रीनशॉट, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली दोस्तों बिना इनको चालू किए तीन चीज़ का ये बैकअप ऑटोमेटिकली देता है जब इसको आप चालू करते हैं तब। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर तो आपका कैमरे का फ़ोटो हो गया, कैमरे का वीडियो हो गया। उसके बाद यदि आप कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसका ये ऑटोमेटिकली इसको बैकअप दे देता है, अन्यथा यदि आप इसके मतलब उसके बावजूद भी आप यहाँ पे यदि आप WhatsApp का इमेज बैकअप देना चाहते हैं तो आप इसको चालू कर सकते हैं। वहाँ पे डाउनलोड फाइल में यदि आपने फ़ोटो रखा हुआ है, इंस्टाग्राम पे पिक्चर में या आपने कहीं पे भी कोई भी मतलब रखा हुआ है यदि आपने, तो आप उस यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके आप उसको बैकअप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरा चालू है, हालांकि आपके फ़ोन में शायद ये बंद होगा तो आपको इसको चालू कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं बैकअप एंड स्कैनिंग, यहाँ पे मेरा चालू है तो आपको इसको चालू कर लेना है। आप इसको जैसे ही चालू करिएगा फ्रेंड्स, ये आपका बैकअप होना चालू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें एक और कंडीशन दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों ये अपलोड सॉरी यहाँ पे मोबाइल डाटा यूज़ पे, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड पे टैप कर लेना है। ठीक है, आप इसको अनलिमिटेड पे टैप कर लेना इसलिए कि दोस्तों ये डेली लिमिट है, यानी कि आप जितना MB का आपका फ़ोटो पूरा होगा वो सारा का सारा वहाँ पे अपलोड हो जाएगा पर डे का पर डे। ठीक है, यदि आप वहाँ पे लिमिट लगाते हैं 30 MB तो बस 30 MB का एक दिन में होगा। उसके बाद यदि जो फ़ोटो बचते हैं तो वो नेक्स्ट दिन होगा, ठीक है, दूसरे दिन वो वहाँ पे होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे बैकअप अपनी चालू कर ली हुई है। चालू करने के बाद हालांकि हमने ज़्यादा एमबी का सारा चीज़ मेरा मटेरियल है, इसलिए ये मेरा अभी मैंने अपना इंटरनेट बंद के जैसे मैं चालू करता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पे टैप करिएगा तो ये देखिए हमारा बैकअप यहाँ पे लेना चालू हो गया। देख सकते हैं कि बैकअप 66 यहाँ पे आइटम यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका 66 फाइल यहाँ पे अपलोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा एमबी का है, इसलिए मैं इसको ऑफ करके रखता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने फ़ोटो को लाइफ टाइम के लिए सेव रख सकते हैं अपने जीमेल पे, सॉरी अपने गूगल फ़ोटोज़ पे अपने जीमेल अकाउंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इससे दोस्तों होगा ये कि आपकी जितने भी फ़ोटो है वो मतलब हमेशा के लिए सेव होगा। दोस्तों मान लीजिए आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है या आपका फ़ोन रीसेट हो जाता है, उस कंडीशन में दोस्तों होता ही है कि आपके फ़ोन के सारे इंपॉर्टेंट फ़ोटो होते हैं या आपने कोई फ़ोटो लिए हुए, कोई डॉक्यूमेंट के फ़ोटो या कहीं का भी कोई फ़ोटो है आपका फैमिली फ़ोटो, तो वो सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं दोस्तों। तो इस ट्रिक से दोस्तों आपके सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट और जितने भी आपके फ़ोटो हैं वो यहाँ पे सेव रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जब आपका फ़ोन मान लीजिए चोरी हो जाता है या आपका फ़ोन गुम हो जाता है तो उस कंडीशन में जब आप अपना नया फ़ोन लेते हैं तो उसमें आप जब अपना ईमेल अकाउंट है बस उसमें ये नए फ़ोन में जब इसको डालेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका सारा का सारा आपके फ़ोटो आपके फ़ोन में आ जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हमारे चैनल टेक्निकल लकी स्टार को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि मेरे वीडियो की रेगुलर अपडेट आपको मिलती है।